राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तत्वाधान में स्वामी विवेकानंद की जयंती एवं मकर संक्रांति पर मंगलवार को महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज में सभा का आयोजन किया गया। इस मौके पर आरएसएस के गोरक्ष प्रांत के प्रचारक सुभाष जी, कालीबाड़ी मंदिर के महंत रविन्द्र दास, डॉक्टर महेंद्र अग्रवाल, महापौर सीताराम जायसवाल, राज्यसभा सांसद जयप्रकाश निषाद, विधायक संगीता यादव, भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह, पूर्व महापौर व राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष अंजू चौधरी, डॉक्टर सत्या पांडे सहित अन्य पदाधिकारी और स्वयंसेवक मौजूद रहे। इस मौके पर अपने संबोधन में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के गोरक्ष प्रांत के प्रचारक सुभाष जी ने कहा कि अगर भारत को जानना है तो स्वामी विवेकानंद को पढ़ना होगा। उनके शब्दों को पढ़कर बहुत ही बड़ी ऊर्जा मिलती है। उन्होंने जो शिकागो में भाषण दिया था उसे सुनकर कई घंटों तक लोग ताली बजाते रहे। ऐसे महान व्यक्तित्व से सभी लोगों को प्रेरणा लेने की जरूरत है। 1863 को स्वामी विवेकानंद ने जन्म लिया था। भारत माता की पोक धन्य हो गई थी। किसे पता था कि उस तिथि को जन्मा बालक स्वामी विवेकानंद बन करके पूरी दुनिया को अपने वचनों से चमत्कृत करेगा। रविंद्रनाथ ठाकुर ने कहा है कि अगर भारत को जानना है तो स्वामी विवेकानंद को पढ़ना पड़ेगा, उनमें सब कुछ सकारात्मक मिलेगा। विवेकानंद उनके जैसे वो ही थे, उनके जैसा कोई दूसरा नहीं। उनके शब्दों को पढ़ करके कितना ऊर्जा प्राप्त होती है जब वो व्यक्ति बोलता रहा होगा तो कैसा चमत्कार हुआ होगा। शिकागो की धर्म सभा में बैठे हुए श्रद्धालु कई मिनट तक लगातार ताली बजाते रहे और नरेंद्र ने रामकृष्ण तो फिर पूछा कि आप मुझे भी दर्शन करा सकते हैं। उनकी आंखों के सामने ने कहा हाँ मैं तुम्हें भगवान के दर्शन करा। जी ने अपने गुरु भाइयों के साथ में बेलूर मठ में दीक्षा प्रदत्त 3 दिन तक बैठे रहे। 25 छात्र और भारत के भविष्य का उन्होंने अध्ययन किया। वहीं पर उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। गुरुदेव की इच्छा उनको प्राप्त हुई। पूरी दुनिया को गुरुदेव का संदेश पहुंचाना है, गुरु माता का आशीर्वाद लेकर के 1893 में शिकागो की धर्म यात्रा के लिए उन्होंने मई में प्रस्थान किया।